सब खैरियत से होंगे आप लोग? मेरा भी, मैं भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आज हमारी छुट्टी बहुत जल्दी हो गई, मतलब 3:30 बजे, यहाँ 3:30 कोई नहीं बोलता, यहाँ 3:30, 5:30, 2:30 मतलब ढाई नहीं बोलेगा, इंडिया नहीं है, ढाई नहीं बोलना है, 2:30 डेढ़ भी नहीं बोलेगा, 1:30। तो छुट्टी हो गई है, लेकिन ये छुट्टी समझ में नहीं आया सही तरीके से। ये हमारे साथ में लंका के लोग रहते हैं, तो ये लंका वालों का ईद है। अब ये पता नहीं कैसा ईद है, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका समझ में का इसलिए नहीं आया कि उनका अजीब, मतलब वो बोलते हैं, हिंदी भी बड़ी अच्छी है उनकी, तो मुझे समझ में बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम समझ में आया। और कैसे भी उनको पूछे, फिर घुमा फिरा के वही मैं बोला कैसा ईद है, तो बोला लंका ईद है, मतलब ये नहीं कि ईद ये आखिर, फिर वो ईद भी बोल रहे, फिर 3 दिन का ईद बता रहे हैं, तो समझ से बाहर है ये ईद कैसा है। इसीलिए लंका वालों ने कंपनी से छुट्टी ली थी, तो उनकी वजह से पूरी कंपनी में ही 3:30 बजे, वो सुबह से ही छुट्टी मांग रहे थे लेकिन 3:30 बजे हो गए। लेकिन एक चीज़ और ख़ास हो गया मेरे साथ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यार इंडिया में तो हम लोग वैक्सीन लगा ही नहीं रहे थे, फिर बाद में हमने वैक्सीन लगाया, डबल डोज लगा लिया, लेकिन यहाँ आए हैं तो भैया जिस दिन आए थे उसी दिन वैक्सीन लगा दिया था, फिर से वैक्सीन लगा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कितना और, 2 और के लिए कह रहा है, और भैया आदमी है का सारा कोरोना हमारे में ही घुस गया था। पहले तो इंडिया में पहला डोज लगा हमारा वही क्या बोलते हो, रूसी वैक्सीन कोविडशील्ड, और फिर इंडियन लगा कोवैक्सीन दूसरे में, तीसरा फिर इधर अमेरिका वो चाइना वाला इधर ला के चाइना वाला लगा दिया, ये चौथा अमेरिका वाला लगा दिया हम लोगों को। और भैया और किसी देश में वैक्सीन बना कि नहीं बना, बना तो बता देना, वो भी हम लगवा लेंगे, क्योंकि 2 और लगाने की बात कर रहे हैं ये लोग कि भैया 4 वैक्सीन लगेगा या तब ये अकामा बनेगा। तो अगर किसी देश ने और वैक्सीन बनाया था तो उसका नाम बता देना, वो भी हम लोग लगा लेंगे। आप लोग कमेंट में लिख के बताओ मुझे और कोई देश में बनाया वैक्सीन। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर आइंदा मिलते हैं, फिर मार्केट वगैरह जाएंगे तो फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या है वहाँ।